नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं नित्यं, वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य पाठशीर्षकास्ति कादम्बरी कथा मुखस्य अतिलघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तराणि। अब तक हमने कादम्बरी कथा मुख का जो गद्यखंड पद्यखंड की व्याख्या बताई, अब अति लघुत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को तैयार किया है आप लोगों के लिए। ये जो है परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न वस्तुनिष्ठ। प्रथमम अस्ति पृथिव्या भर्ता शब्दस्य अर्थ किम्। पृथिव्या भर्ता शब्द का अर्थ क्या है? पालकः, पालाकः, सी अस्ति अतिथि, डी अस्ति शासक। उत्तरम भवति पालकः, पालाकः न। इसमें जो है छात्रों विशेष रूप से जो है वर्णों की जो वर्तनी है जो लिखा गया है उस पर विशेष ध्यान देंगे। हरस इकार दीर्घिकार हस्कार दीर्घकार में अंतर के वजह से वह अशुद्ध हो सकता है ऑप्शन, अतः आप लोग निश्चित और सम्यक रूप से देख कर ही टिक लगाएंगे। प्रश्न संख्या दो, धौरेयः, धौरेयः शब्द से अर्थ किम्। धौरेयः शब्द से अर्थ किम्। ये सारे शब्द जो है कादम्बरी कथा मुख के ही गद्य और पद्य खंड से ली गई है। धौरेयः जो मैंने पढ़ाया है, धौरेयः शब्द से अर्थ किम्। धुरंधरः, कर्मांतिकः, प्रजाः, धूर्तः। उत्तर होगा धुरंधरः। प्रश्न संख्या तीन, वैनतेयः किम् अस्ति। वैनतेयः किम् अस्ति, पक्षी अस्ति, गरुडः अस्ति, गरुडः अस्ति या कुक्कुटः अस्ति। उत्तर होगा गरुडः। शी। प्रश्न संख्या चार, चापकोट्टया, चापकोट्टया शब्दस्य अर्थ किम् अस्ति। उत्तरं भवति धनुषः। न भवति बनम, न भवति चाटुकारा, न भवति चक्रम। प्रश्न संख्या पांच, सुमेरु किम अस्ति। सुमेरु किम अस्ति, पर्वत अस्ति, पठार अस्ति, कूप अस्ति व रवि। पर्वत अस्ति ऑप्शन ए। उत्तरम अस्ति ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या छह, मन्मथ शब्दस्य अर्थ किम्। कामदेवः या कामदेवः, श्री कामदेवः, कामपालकः। बी ऑप्शन होगा उत्तर, कामदेवः। प्रश्न संख्या सात, ऐरावत शब्दस्य संबंध अस्ति। ऐरावत शब्द का संबंध है किससे? शिवः, बी इंद्रः, सी विष्णुः, डी रामः। उत्तरं भवति इंद्रः, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या आठ, दिवाकरः शब्दस्य पर्याय न अस्ति। दिवाकर शब्द का पर्याय इनमें से कौन नहीं है? अर्काः, अरुणः, आदित्यः, आलोकः। अर्काः होता है, अर्काः नहीं होता, अतः उत्तर होगा ए, जो कि नहीं है इनका पर्याय। सुरगुरु कः, सुरगुरु का शुक्राचार्यः, बृहस्पतिः, सरस्वती, मारुति। ऑप्शन बी भवति उत्तरम्, बृहस्पति। आसन शब्द से अर्थ किम्। भोजनम, आसनम, अमावस्या, गणः। उत्तरम भवति भोजनम। प्रश्न संख्या ग्यारह, प्रतिहारी का, प्रतिहारी कौन है? द्वारिकी या द्विवारिकी या द्वेवारिकी या द्वेहवारिकी। उत्तरम भवति द्वारिकी। प्रश्न संख्या बारह, चांडाल कन्या कस्य ग्रंथस्य सह संबंधः। कादम्बरी, 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 सरस्वती, कंठावरण। इसमें बर्तनी मिस्टेक के कारण आप लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या तेरह, नलिन शब्दस्य पर्याय न अस्ति। कमला जो नलिन का पर्याय है, राजीवा जो कनलिन का पर्याय है, नालंदा नलिन का पर्याय है, और नरकाह नलिन का पर्याय नहीं है, अतः उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या चौदह, श्रीखंडस्य शब्दस्य अर्थ किम्। चंदनस्य, पीपलस्य, मंदिरम, मिष्टान्नम। श्रीखंडन का जो है अर्थ होगा चंदनस्य। उत्तर होगा ए।
प्रश्न संख्या 15, मंदाकिनी कुत्र प्रवाहती, मंदाकिनी कहाँ प्रवाह करती बहती है, भारतवर्ष से, बी नेपाल देश से, चीन देश से, श्रीलंका देश से, उत्तरम भवति भारत देश से। प्रश्न संख्या 16, परशु शब्द से अर्थ किम, कुठारह तड़ाक कृपाण छुरिका भवति कुठारह। यहाँ पे तड़ाक और कृपाण और छुरिका नहीं होगा, परशुराम परशु कुठार उठाते थे। प्रश्न संख्या 17, विग्रहिणी शब्द से अर्थ किम, शरीर धारणी अशरीरी देह मात्रम केवल आत्मा, उत्तरम अस्ति शरीर धारिणी। कुह शब्द से अर्थ किम, ये बड़ा ही विशिष्ट प्रश्न है। कुह शब्द से अर्थ किम, पृथ्वी नभः पाताल वायु, उत्तरम अस्ति पृथ्वी। प्रश्न संख्या 19, कुंडरीका किम, श्वेत कमलः पंकजः मुकुंदः, इसमें जो उसका उत्तर होगा पुंडरीक श्वेत कमल को कहते हैं श्वेत कमलः। ऋक्षेण शब्द से अर्थ किम, भल्लुकेण मृगेण मार्जारः कपि, उत्तरम भवति भल्लुकेण। 21, प्रश्न संख्या 21, 21, श्री द्रुमय शब्द से को अर्थ, श्री द्रुम किस वृक्ष का नाम है, कहते हैं बिल्व वृक्ष है, लक्ष्मी वृक्ष है, ए और बी, और डी में है पिपला, इसमें सी ऑप्शन होगा ए और बी। बिल्व वृक्ष भी कहते हैं, लक्ष्मी वृक्ष भी कहते हैं श्री द्रुम को। सत हृदा शब्द से को अर्था, सत हृदा शब्द का क्या अर्थ होता है, विद्युत आकाश शतकोटि सतसत नमन, उत्तरम भवति विद्युत। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न को तैयार किया है मैंने, आप लोग इसे अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे ऐसी संभावना है। इसमें 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम। और परीक्षा की तैयारी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोरोना जैसे महामारी से बचते हुए करेंगे, सर्वदा मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे, और 3 गज की दूरी बनाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, कहीं भी जाए तो विशेष रूप से जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करें। नमत जयतु संस्कृतम, वदतु संस्कृतम, काढ़ा पीते रहिए, अपने संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा भी कीजिए। नमो नमः।